ही नहीं मैडम का ये आलम है, ये तानाशाही है कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जिला परिषद में हर 3 महीने में एक बैठक होनी है, साधारण बैठक। लेकिन मैडम के द्वारा पिछले 3 सालों में 4 बैठक हुई हैं और 2 सालों में 2 बैठक हुई हैं। जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच हुआ विवाद। उपाध्यक्ष ज्योति सोनी ने अध्यक्ष को लेकर कई खुलासे किए। आज राजधानी जिला परिषद उपाध्यक्ष ज्योति सोनी ने जिला परिषद अध्यक्ष अंजू देवी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कई खुलासे किए। उपाध्यक्ष ज्योति सोनी ने कहा कि जिला परिषद को 15वें वित्त आयोग से करोड़ों की राशि मिली है, अकेले पटना को 20 करोड़ की राशि मिली है। सरकार ने यह निर्देश दिया है कि राशि को कोरोना महामारी को रोकने में खर्च किया जाए, लेकिन अध्यक्ष की सीधे मनाही है। अंजू देवी ने पैसे को खर्च करने से मना कर दिया है। अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद भी अध्यक्ष सुनने को तैयार नहीं है। उपाध्यक्ष ज्योति सोनी ने अध्यक्ष पर कई खुलासे किए और कहा कि अध्यक्ष की मनमानी चलती है और जिला परिषद की बैठक 3 महीने में करने के बजाय 2 साल में 2 बैठक हुई है। उपाध्यक्ष के साथ जिला परिषद भी मौजूद थे और उन्होंने भी उपाध्यक्ष की बातों का समर्थन किया है। आज जैसा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, मैं जिला परिषद की वाइस चेयरमैन ज्योति सोनी हूँ पटना जिला की। आज हम लोगों ने जिला परिषद के कुछ मुद्दे हैं जिनको हम लोग यहाँ बोलने के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। सबसे पहला मुद्दा है ये कि जिला परिषद का 15वीं वित्त आयोग की राशि आई हुई है जिला परिषद में। पूरे बिहार में जितने भी जिला परिषद हैं उनको 370 करोड़ रुपए मिले हैं जिला परिषद के विकास निधि के लिए मिले हैं, जिसमें पटना जिला को 20 करोड़ रुपए मिले हैं। और सरकार ने ये सीधा सरकार का ये निर्णय है कि जो भी जिला परिषद में राशि आई है 15वीं वित्त आयोग की, अभी कोरोना महामारी जो फैली हुई है उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने इसे देने के लिए सरकार को कहा है। लेकिन हमारे अध्यक्षा अंजू देवी जो जिला परिषद की अध्यक्ष हैं पटना जिला की, उनकी मनमानी का आलम ये है कि वो इससे इस पैसे को देने के लिए राज़ी नहीं हो रही हैं। ऐसा लेटर भी आया है ऊपर से विभाग से कि आप बैठक कर लें, इसमें डीएम हो, अध्यक्षा हो, कुछ सिविल सर्जन डॉक्टर हो, डीडीसी हो, सब कोई मिलके ये तय कर ले कि कहाँ पे इस पैसे को खर्च किया जाए। लेकिन हमारी अध्यक्षा इसे देने को बिल्कुल राज़ी नहीं हो रही हैं। उनका ये कहना है कि नहीं, हम ये पैसे कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए नहीं देंगे, ये हमारी विकास निधि है, हम इसे योजना के लिए देंगे, हमारा योजना का जो पहले से योजना दी हुई है उसी में ये खर्च करेंगे। अगर आपको सरकार को उन्होंने कहा है कि अगर आपको पैसे लेने हैं तो अगले वित्त में जो पैसे आते हैं विकास निधि आती है वो लें, लेकिन ये पैसे हम नहीं देंगे। आज पूरे देश में कोरोना महामारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है, इतना भयंकर स्थिति हो गया है कि आज सरकार चाहती है कि सरकार तो मदद करेगी ही करेगी, लेकिन वो लोगों से, जनता से भी ये चाहती है कि वो लोग मिलके भी मेरा सहयोग करें और हम इससे मुक्ति पा सकें। तो हम लोग का ये फ़र्ज बनता है कि हम लोग सब कोई मिल के सरकार का सहयोग करें और इस कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जो भी जिसके संस्था में जो भी पैसे आए हैं वो सरकार को दे, मदद करें। लेकिन यहाँ मैडम का ये आलम है कि सरकार के निर्देशों को भी वो नहीं मानती हैं और कहती है कि नहीं, हम इस पैसे को नहीं देंगे। मेरा मानना है कि आज जो क्षेत्र में गली नली जो बनने को, जिसके लिए वो पैसे आए हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इतने मर रहे हैं, हर क्षेत्र में मर रहे हैं, हर राज्य में मर रहे हैं, उनकी
रक्षा के लिए पैसे खर्च किए जाएं और हम लोग चाहते हैं कि ये पैसे सरकार को हम दें ताकि जो भी क्षेत्र में, राज्य में, देश में जो भी कोरोना के कारण दिक्कत हो रही है उसमें सहयोग ये राशि हो। तो मैं चाहती हूँ कि ये राशि सरकार को दिया जाए ताकि इस भयंकर महामारी से बचा जा सके, क्योंकि सरकार अकेले इसके लिए नहीं कुछ कर सकती है। सब कोई मिलके साथ में सरकार का सहयोग करेंगे तभी ये रोकथाम हो पाएगा इस महामारी से। ही नहीं मैडम का ये आलम है, ये तानाशाही है कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जिला परिषद में हर 3 महीने में एक बैठक होनी है, साधारण बैठक। लेकिन मैडम के द्वारा पिछले 3 सालों में 4 बैठक हुई हैं और 2 सालों में 2 बैठक हुई है, लगभग पूरे 5 सालों में 6 बैठक हुई है। जबकि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार अगर हम देख लें 5 सालों में 20 बैठक होनी चाहिए, लेकिन 6 ही बैठक हुई है। और बैठक होती भी है तो विकास निधि से स्टार्ट होती है और विकास निधि पे ख़त्म होती है। मैडम का ये आलम है कि अगर बैठक स्टार्ट हुई है तो बस वो अपना विकास के लिए ही बातें करती हैं और अपना जो एजेंडा रहता है, जो प्रस्ताव अच्छा रहता है, जो उनके विकास के लिए हो, वही पास करती हैं और कहती हैं कि मुझे अधिकृत कर दिया जाए कि मैं सारे वित्त का अधिकारी हूँ और मैं जिसे जो चाहूँ वह पैसे दूँ। लेकिन विपक्ष का हमेशा ये रहता है, खासकर का मेरा, मैं उपाध्यक्षा हूँ जिला परिषद की, मेरा ये मानना है कि नहीं, विकास निधि सारे लोगों के लिए आई है, जितने भी पटना जिले में जितने भी क्षेत्र हैं सभी के लिए आई है, तो उस पर खर्च हो, तो सभी को समान पैसे मिलने चाहिए, विकास निधि मिलने चाहिए ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास कर पाएँ। हम लोग का ये मानना है कि हम लोग जीत के आए हैं, जनता से वादे करके आए हैं कि हम लोग अपने क्षेत्र में काम करेंगे, जनता हम लोग आश्रित है हम लोग पे, कि जो जिस क्षेत्र का जिला परिषद होता है वो चाहता है कि हमारे क्षेत्र में हमारे जिला परिषद काम करे, लेकिन हम लोग को विकास निधि मिलती ही नहीं है, मैडम पे हम लोग को आश्रित रहना पड़ता और मैडम जिसको चाहती हैं उन्हें देती हैं और जिसको चाहती हैं नहीं देती हैं। उनके मनमानी का ये आलम है कि जो उनकी बातों को मानता है, उनके गलत कामों में साथ देता है, साथ ही जो उनकी चमचागिरी करता है, बस उन्हीं को उसी क्षेत्र में वो पैसे देती हैं और दूसरे को नहीं देती जो उनकी चमचागिरी नहीं करते हैं, जो उनके गलत कामों में साथ नहीं देते हैं। और इतना ही नहीं, जिन क्षेत्रों में वो देती हैं अपने लोगों को देती हैं, अपने पक्ष के लोगों को, कुछ लोगों को देती हैं, उनसे भी वो कमीशन लेती हैं, उन्हीं लोगों को देती हैं। इसका सीधा एक उदाहरण है, मेरे पास इसका पेपर भी है। तो मैम आप लोग इसको लेकर के कुछ करेंगे आगे? जी बिल्कुल, क्या करेंगे आप? हमारा ये बंटवारा हुआ है जिसमें संपर्क चक है, वो लगभग मैडम ने 2.5 करोड़ के ऊपर मैडम अपने क्षेत्र में ले गई, और जो भी इसमें ज़्यादा जिन क्षेत्रों को पैसा दिया वो उनके आदमी हैं जिनके द्वारा वो अपना कमीशन साधी हुई हैं कि वो कमीशन लेंगी और उन्हें पैसे देंगी। और जिनको पैसे नहीं मिले हैं इस लिस्ट के अनुसार, जिनको पैसे नहीं मिले हैं वो विपक्ष हैं, क्योंकि वो विपक्ष को नहीं देना चाहती पैसे, क्योंकि उनसे कमीशन उनको नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर विकास निधि आती है तो सब क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, सिर्फ कुछ क्षेत्रों में क्यों विकास हो? ये विकास निधि सरकार देती है तो सारे क्षेत्रों के लिए देती है, सबको समानुपातिक। कितनी राशि खर्च हुई है वर्ष जी? कितनी राशि खर्च हुई है वित्तीय वर्ष में? का अभी तक तो उन्होंने लगभग, मतलब हर वित्तीय वर्ष में आता है 10 से 15 करोड़ आते हैं, हर वित्तीय वर्ष आते हैं, तो हर वित्तीय वर्ष में वो 30 से 40% खुद ले जाती हैं मैडम, और 40% वो उन क्षेत्रों को देती हैं जहाँ से उन्हें कमीशन मिलता है, ऐसे ही बांट देती हैं। और विपक्ष को 1-2 वित्तीय वर्ष तो पैसे ही नहीं दिए गए हैं, वो मैडम ही ले गई हैं। और जिसका विरोध मैं शुरू से करती आई हूँ, लगभग 5 सालों से, मैं जब से जिला परिषद की उपाध्यक्षा हूँ तब से मैं इसका विरोध करती आई हूँ कि नहीं, सारे क्षेत्रों में समान पैसे दिए जाएँ, क्योंकि इसका एक। ऐसे ही खबरों के लिए करें SE24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।